इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों चुनावी मोड पे आ चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी छत्तीसगढ़ में सक्रिय है। बीते दो महीने में आरएसएस चीफ मोहन भागवत दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस बार भागवत उत्तर छत्तीसगढ़ यानी कि सरगुजा संभाग जाएंगे। आरएसएस प्रमुख 13 नवंबर को जशपुर पहुंचेंगे। यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये कोशिश कर रही हैं कि कैसे इस बार छत्तीसगढ़ का किला वो जीते। और इसी सिलसिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छत्तीसगढ़ में सक्रिय है। अब सोचिए दो महीने में यह उनका दूसरा दौरा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहली दफा सरगुजा संभाग के दौरे पर आ रहे हैं। 13 नवंबर को भागवत जशपुर पहुंचेंगे। 14 नवंबर को स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसके लिए तैयारियां जारी है। जशपुर राजघराने के यश प्रताप सिंह देव गांव-गांव जाकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। हाथ में पीला चावल देकर आमंत्रण दिया जा रहा है। तो वहीं 15 नवंबर को भागवत अंबिकापुर प्रवास पर रहेंगे, जहां पीजी कॉलेज मैदान में भागवत एक सभा को संबोधित करने के साथ कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तैयारियां पूरी चल रही हैं। सभी 6 जिलों में स्वयंसेवक अधिकतम संख्या में आने के लिए अपनी गणवेश की पूर्ति कर रहे हैं। सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। अगले साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में भागवत का सरगुजा संभाग का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दो महीने के अंदर मोहन भागवत का ये उनका छत्तीसगढ़ का दूसरा दौरा है। इसको लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।